अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अलीम फ्रॉम स्किल्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन टैग। तो ये टैग कुछ इस किस्म का होता है, और जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो बेसिकली जो हमारे टाइटल के नीचे शो होती है इसे कहते हैं। तो ये CTR के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब लोग इसको पढ़ के हमारी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो अगर ये आपकी वेबसाइट किसी पेज के ऊपर मिसिंग हो तो ये काफ़ी बड़ा इशू है। तो इस वजह से हम स्क्रीमिंग फ्रॉग को यूज़ करते हैं इन इश्यूज़ को फाइंड करने के लिए। तो जाएंगे स्क्रीमिंग फ्रॉग में, वेबसाइट को क्रॉल करेंगे, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन, और यहाँ से साइड बार से यहाँ पे मिसिंग। तो ये जिन पेजेस की मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है ये हमें शो करवाएगा। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे उनके ऊपर, ओपन इन ब्राउज़र, उसके बाद एडिट। और अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर योस्ट इंस्टॉल है तो ये बॉक्स शो होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये ग्रीन बार जो है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि जितने रिकमेंडेड कैरेक्टर्स हैं वो आपने फिल कर लिए हैं। उसके बाद हम इसे करेंगे अपडेट। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, उम्मीद है आपको न्यू चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अल्लाह।